Welcome to another episode of the Ultra Edge podcast. I am Rohan Nadeem, and today's guest is someone who has uh, personally influenced me a lot ever since I used to play cricket. Uh, I have looked up to her, and I'm sure so have millions of girls around the world who have played cricket. Uh, inka jo contribution hai towards women's cricket in Pakistan, it is absolutely undeniable, and not just in Pakistan but globally also. She is a great ambassador for women's sport, uh, for cricket, and of course now she is making waves uh, as a commentator, as a broadcaster. In sab baat karte hain to know more about her. Uh, I have with me Sana Mir. Who has joined us? Uh, thank you, Sana, for being a part of the Ultra Edge podcast. It's such an honor to sit next to you and uh, get a chance to know more about you. Uh, thank you so much for having me, and it's a pleasure uh, talking to you always. Lovely. आपके बारे में बहुत से लोग जो हैं वो क्रिकेट से related तो जानते ही हैं. You know, there's so much out there about you when you used to play cricket. आप सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रही हैं पाकिस्तान विंडमिंस टीम. बट

आ, उसके बाद जब हमारी पिंडी पोस्टिंग हुई अबू की पिंडी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर भाई के फ्रेंड्स के साथ भाई मेरा जो है वो मुझसे नौ साल बड़ा है और उसके फ्रेंड्स के साथ जब वो खेल रहा होता था तो मैं भी फील्डिंग करने चली जाती थी साथ और ज़्यादातर मुझसे फील्डिंग कराई जाती थी और फिर एंड पे उनको याद आता था अच्छा चलो आइए इसको थोड़े से दो चार बॉल्स भी करा दो फिर फ्रॉम देयर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब थोड़ा सा और शौक डेवलप हुआ तो मैंने अपने एज के लोगों की टीम्स बनानी शुरू कर दी वहाँ पे सबके अच्छा। बच्चे ढूंढती थी अच्छा किसके तो <laughs> जहाँ अबू की अम्मी की नई पोस्टिंग अबू की होती थी तो वो लोग मेरे हमारे लिए स्कूल ढूंढ रहे होते थे और मैं नेबर्स के बच्चे गिन रही होते थी किसके कितने बच्चे जो मेरे साथ खेल सकेंगे आ, सो इस तरीके से बेसिकली शुरू हुई थी जो स्ट्रीट पर क्रिकेट बेसिकली वहाँ पर ही खेला मेजोरिटी और सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं कुछ से मैं कॉन्टेक्ट में हूँ कुछ से

Uh, तो चार साल मैंने रो रोक दी थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस ये नहीं था कि अम्मी अबू ने कोई चीज़ मना की तो मैंने वो करनी ही करनी है तो मेरा बस ये था कि भाई अम्मी अबू ने कह दिया तो बस ठीक है और कॉलेज लेवल पे भी क्रिकेट नहीं हो रही थी क्रिकेट नहीं होती थी कॉलेज में इतनी स्पेस ही नहीं होती थी कि वहाँ पर तो बास्केटबॉल का कोर्ट बना था बैडमिंटन का कोर्ट था तो वहाँ पर वो खेलते थे फिर आई uh, रिमेंबर वो केमिस्ट्री की तैयारी जब कर रहे होते थे ना तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स बनाते बनाते मैं फील्ड सेटिंग शुरू कर दिया करती थी इलेक्ट्रॉन्स <laughs> के साथ तो मुझे इसी तरह केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था तो अम्मी आई थी उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें लड़कियों की टीम का जिक्र आया तो इतना पता भी नहीं था उस वक्त कि लड़कियों की टीम होती है पी डब्ल्यू सी सी ए की जो टीम थी तो वहाँ फिर मैंने जा कर ट्रायल्स दिए वहाँ से एक दोबारा क्रिकेट की तरफ जर्नी मेरी शुरू हुई अच्छा एजुकेशन के हवाले से हाउ स्ट्रिक्ट वर योर पेरेंट्स बिकॉज यू वर सपोज़ टू बी एन इंजीनियर दैट वाज़ योर गोल एजुकेशनली तो कैसे ये शिफ्ट आया फिर Uh, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ना दे हैव नॉट बीन रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे साथ बच्चों के साथ बहुत अनकंडीशनल रहे हैं और कभी इस तरह का प्रेशर नहीं डाला कि ये ग्रेड लाओगे तो तो तुम तो अच्छे हो गए या कुछ ऐसा तो आई थिंक ये भी एक मैसेज बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए yeah. कि वो uh, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से वो ग्रेड लाते हैं इसके बरकस के क्या ग्रेड आपका आता है उसी से आप बच्चों को डिफ़ाइन ना करें तो वो बड़े उस लिहाज से ईजी थे आई गॉट इंस्पायर्ड बाई माई ओन टीचर्स अलाट मेरा टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी ज़िंदगी में चाहे स्कूल के हों क्रिकेट के हों या नॉर्मल लाइफ के टीचर्स हों uh, तो वहाँ पे एट्थ तक मतलब मैं नॉर्मल स्टूडेंट थी को खास पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता था फिर जब क्रिकेट रुकी तो वो तकरीबन एट्थ नाइन्थ एट्थ क्लास ही थी जब मैंने बाहर जाना छोड़ा ज़्यादा गली मोहल्लों में खेलना छोड़ा तो वो टाइम था कि फिर मेरे कुछ टीचर्स बड़े अच्छे थे स्कूल में सो आई वॉन्टेड टू बी अ बेटर स्टूडेंट तो वहाँ से फिर मेरी अच्छे मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स आ गए एफ एस सी में नस्ट में एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग करने चली गई पर वहाँ पर क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम था छुट्टी नहीं मिलती थी साथ मेरे क्रिकेट के कैंप्स लगने शुरू हो गए थे तो बस फिर मैं दो महीने तो बड़ी कश्मकश में रही और फिर अबू ने ही कहा कि बेटा वी एव गॉट अ लॉट ऑफ फीमेल इंजनियर्स वी डोंट हैव लॉट ऑफ फीमेल क्रिकेटर्स दट वज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ जहां पर फैमिली की सपोर्ट भी थी अम्मी अबू की सपोर्ट थी बिकॉज दे नेवर सॉ मी ऐसा मन कि जिसने जाके खुद अपना करियर बनाना उन्होंने शौक है तुम शौक पूरा करो बिल्कुल तो वो बेसिकली आई थिंक उसमें लड़की होना आसान है पाकिस्तान में आदमियों पे ये प्रेशर होता है उन्होंने घर चलाना है हाँ। तो मेरे पे ये प्रेशर नहीं था मेरे पे ये प्रेशर था अगर आप मतलब ये ईजी था कि आपका शौक है तो आप कर लो तो आई थिंक वहाँ पर जहाँ कुछ डिसएडवाटेजेज हैं वहाँ एडवाटेजेस भी हैं पर ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा ठीक है प्रोफेशनली ंग you know, छोड़ प्रोफेशनल तो था ही नहीं रोहा ये ज़्यादा बात इसलिए बड़ी है क्योंकि प्रोफेशन नहीं था पहले हाँ। पाँच छः साल तो हमने मुफ्त में मतलब हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हम अपने मुल्क की जर्जी पहन रहे हैं पैसवा तो था ही नहीं क्रिकेट में तो इट वॉज़ नॉट अ प्रोफेशन जिसकी तरफ उन्होंने मुझे किया उन्होंने शौक मेरा पूरा कराया था बेसिकली तो वही बातें मैंने उनके लिए छोड़ा था उन्होंने मेरे लिए वो कर दिया तो लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं बट उस टाइम पर आपने सोचा था कि जो आपकी लेगेसी आज है वन यू स्टार्टड प्लेइंग क्रिकेट उस टाइम पे डिड यू एवर थिंक यू वुड मेक इट दिस फार यार अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है आई थिंक अल्लाह ताला ने हम सब को ही सब इंसानों को उससे ज्यादा ही नवाजता है जिस जिसके हम काबिल होते हैं क्योंकि छुपा देते हैं ना हम लोग के जो खामियाँ होती हैं तो आई थिंक जितना दिया है मैं मैं नहीं सोच सकती थी कि इतना ज़्यादा कभी नाम बनेगा बस यही था कि पाकिस्तान के लिए खेलना है और जब मौका मिले तो ईमानदारी से अपने मुल्क का नाम रोशन करना है पर फिर आहिस्ता आहिस्ता और इतना लंबा सोच खेलने का कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरी मेरी क्योंकि आपसे पहले तो कोई ऐसी लेगेसी किसी की थी नहीं एटलीस्ट इन पाकिस्तान जिसको आप आइडलाइज करके तो किसको आप उस टाइम पे देखती थी कि यार दिस इज़ द पाथ दर आई वांट टू टेक तो रोहा मेरी लाइफ का बड़ा सिंपल फिलोसफी है मैं बहुत आगे का कभी भी नहीं सोचती मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करती हूँ मेरे रोल मॉडल्स ख़ुद मेरे वालदेन मैं समझती हूँ बहुत बड़े रोल मॉडल्स हैं कि किस तरीके से लीडरशिप क्या होती है एक टीम क्या होती है क्योंकि आप फैमिली भी एक टीम की तरह होती है दो लोग मिलकर मिल चला रहे होते हैं तो आ, मेरे बेसिक रोल मॉडल्स तो वो हैं और फिर लाइफ में साथ साथ ख़ ख़ासतौर तो पर जो हमारी अपनी टीम की लड़कियाँ थीं वो ऐसे मुश्किल हालात से आईं कि जब वो आके मेहनत करती थी तो मुझे उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्परेशन मिलती थी कि यार मेरे पास तो और भी बहुत सी चीज़ें पर ये इतना शौक़ जो लेके आई हैं मुझे इनके लिए कुछ करना है तो मेरी मेजॉरिटी इंस्पिरेशन उधर से भी बहुत ज़्यादा आई और फिर लाइफ में अच्छे रोल मॉडल्स आते yeah. रहे तो इस इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर एक साल दो साल बढ़ता गया कभी सोचा नहीं था कि मैंने पंद्रह साल खेलना है बट wow. uh, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही मैं समझती हूँ कि है course, uh, ever so आपको वो टाइम याद है डिस्क्राइब दैट मोमेंट वेन यू गॉट द कॉल के और उस टाइम पे जो भी आपको कम्युनिकेशन आई कि आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गई हैं पाकिस्तान टीम में पहली जो दफ़ा जब मैंने पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहनी थी वो अ, अंडर ट्वेंटी वन की इंडिया की टीम आई थी तो उस वक्त फील ऐसा नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान खेल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल मैच नहीं था बट इट वाज स्टिल अ बिग डील हमने इधर लाहौर में ही खाना में मैचज़ खेले थे लेकिन एक्चुअल जो पहला डेब्यू मेरा था वो कराची स्टेडियम में 2005 में हुआ था तो दैट वाज डेफिनेटली अ वेरी बिग मोमेंट और मेरी सारा जब जब उस वक्त इतना क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट टीवी पे आता नहीं था तो हमें भी बहुत कम वुमेन क्रिकेटर्स के नाम पता थे तो मुझे याद है हमारे जो पहली कप्तान थी टीम की शाहजहाँ खान और किरण और इन सब ने मिताली राज का हमें बहुत स्टोरी सुनाई होती थी तो वो उन्होंने बताया था कि वो दुनिया की बेस्ट प्लेयर है इस वक्त ना वन ऑफ़ द बेस्ट प्लेयर्स है तो मैंने कहा बस मुझे ना पहली विकेट ना उसकी चाहिए और बोल्ड चाहिए और मैं थी फास्ट मतलब तो मीडियम पेसर से स्टार्ट किया था हाँ। तो पहला मैच हो गया श्रीलंका के अगेंस्ट चार ओवर कराए कोई विकेट ही नहीं मिली अल्लाह मैंने ऐसी दुआ मानी <laughs> तो फिर अच्छा। दूसरा मैच इंडिया के अगेंस्ट था और वो पहली विकेट उसी की मुझे मिली वाह तो ये था कि ऑब्वियसली वो फीलिंग आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब आप पहली दफा अपने मुल्क के लिए खेलते हैं चाहे विकेट ही आपकी इतनी हैवी विकेट थी बस वो

और उसमें फास्ट बॉलिंग में किया करती थी मीडियम पेस और शाम में एक स्ट्रीट लाइट होती थी एक ही स्ट्रीट लाइट होती थी और उसकी रोशनी इतनी होती थी कि उसमें आपको टेप बॉल नज़र नहीं आता था क्योंकि लड़कों के साथ खेलती थी स्पीड तेज़ होती थी तो फिर हम प्लास्टिक बॉल से स्पिन मगरब पड़ के सारे मगरब का ब्रेक होता था वापस आते थे और फिर उसके बाद इशा तक या खाने के टाइम तक हम स्पिन बॉलिंग करते थे तो उसमें मुझे ऑफ स्पिन लेग स्पिन कभी हाँ सकलैन मुश्ताक बन गए कभी शेन वॉन बन गए और हर तरह की स्पिन फिर बॉलिंग हम शाम में खेला करते थे तो मुझे आती थी मतलब अच्छा। जनरली मुझे दो तीनों तरह की बॉल करने आती थी तो जब मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ फिटनेस का पता नहीं था जूता कौन सा पहनना है कितनी देर बॉलिंग करनी है नेट्स में सीनियर प्लेयर्स होते थे सबको बॉलिंग करते रहते थे तो दो दो तीन तीन घंटे हम बॉल लगातार करते रहते थे तो उससे फिर बैक में इंजरी हो गई तो फिर एक दिन एज अ बैटर मुझे सेलेक्ट कर लिया टीम में उन्होंने कहा जब तक तुम री नहीं करती हमें तुम्हारी बैटिंग की भी ज़रूरत है तो नेट में एक दफ़ा खड़ी थी तो बोर हो रही थी बारी नहीं आई हुई थी तो मैंने कहा चलो मैंने कोच से कहा कि मुझे थोड़ी सी ऑस्पिन आती है मैं वो कर लूँ क्योंकि फास्ट बॉलिंग का एक्शन रिमॉडल करना बड़ी मुश्किल चीज़ है तो वो मैं कोशिश कर रही थी पर अभी मेरा वो रिदम बन नहीं रहा था तो मैंने दो तीन बॉल कराए तो अच्छे लगे कोच को फिर मैंने एक दो प्लेयर्स को आउट कर दिया तो उन्होंने कहा अभी फिलहाल के लिए हमें चाहिए बॉलर अभी तुम यही शुरू करो जब तक हाँ तो फिर उसमें मुझे पहले ही उसमें इतनी सक्सेस मिल गई कि फिर उसी को कंटिन्यू फिर कर लिया आगे राइट right. अच्छा आपने अभी डिस्क्राइब किया कि आप जब टीम में आए यू नो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सम नेम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट बट वॉट यू माइट नॉट हैव बिन फेमिलियर विद एट दैट टाइम माइट हैव है सिस्टम जब आप एज अ प्लेयर खेलते हो कैसा एक्सपीरियंस था वो जब आपने पहली दफ़ा सिस्टम uh, को देखा स्ट्रक्चरल uh, जो आपका सर्किट था पूरा विमेंस क्रिकेट का जब आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया आई एम श्योर दे मस्ट हैव बिन सम शॉक्स शॉक्स वेल डिस्क्राइब थे uh, पहली चीज तो थी ये कि एज ए यंग गर्ल अवेयरनेस इतनी नहीं थी कि आपके राइट्स क्या हैं आप एज ए प्लेयर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए तो पहले तो उसको समझने में ही पाँच छः साल लग गए उसका एक मिसाल आपको मैं ये देती हूँ कि जब पहला कैंप अटेंड किया और मुझे पहला चेक मिला तो मैं बड़ा हंसी पीसीबी के ऊपर ना उस वक्त मैंने कहा कितने बेवकूफ़ हैं कि एक तो मेरा ख्वाब पूरा करें ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं मतलब स्टार्ट स्टार्ट हमारा उस उस जगह से हुआ था कि सोचा सोचा भी नहीं था कि हमने इससे पैसा कमाना है मेन मकसद था अपने मुल्क के लिए खेलना क्रिकेट खेलना तो पहली दफ़ा ये हालत थी उसके बाद जब चार पाँच साल गुजरे रगड़ा खाया हाँ। बाकी टीम्स को देखा वहाँ पे प्रोफेशनल एटीट्यूड देखे फिर समझ आई कि यार एज ए प्लेयर हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी ज़्यादा है हम कंपीट नहीं कर सकते अनलेस आपके पास अच्छी न्यूट्रिशन खाने के पैसे हों आपके पास अच्छा जूता लेने के पैसे हों अच्छा बैट खरीदने का पैसा हो आपके पास आपकी इस तरह का लाइफ हो कि आपकी नींद पूरी हो रही है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरी हो ये जब सारी चीज़ें फैक्टराइज हुई तो फिर समझ आई कि यार दिस इज़ अ बेसिक नीड फॉर एन एथलीट और आप एक सेफ और उस एनवायरनमेंट में खेल रहे हो बिकॉज़ व्हेन इट कम्स टू विमेंस क्रिकेट ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है लाइटली ली हाँ। जाती है पाकिस्तान में तो ये था कि पीसीबी का इस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो पीसीबी के अंदर जब हम आए हैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जितने भी कोचेस लगाए गए मेजॉरिटी कोचेस बहुत ही अच्छे थे एक सेफ़ इन्वायरमेंट था मैनेजर्स भी अच्छे थे सारे तो उस लिहाज से बहुत अच्छा हमें लुक आफ्टर किया गया पर जहाँ तक न्यूट्रिशनल नीड्स हैं जहाँ तक फाइनेंशियल uh, स्टेबिलिटी है वो तो जाके टू में आनी शुरू हुई जब हम पहला गोल्ड मेडल जीते थे और कॉन्ट्रैक्ट्स कौ, भी आए और डिपार्ट लेकिन फ्राम टू थाउजेंड फाइव टू टू थाउजेंड टेन वो पाँच साल हमने सिर्फ रगड़ा खाया और समझा कि कौन सी चीज़ें हमें मांगनी और करनी है कैसे और बहुत से रगड़े जो है वो आई आई फ्राम वॉट आई हैव हर्ड आपने खुद पर्सनली जाके टीम्स के लिए फाइट अपनी टीम के लिए फ़ाइट की है वमेंस क्रिकेट के लिए फ़ाइट किया है डेट ऑल्सो मस्ट नॉट हैव है ईजी क्योंकि आपके पहले कोई ऐसा फिगर नहीं था जो ये राइट्स डिमांड करे जाके और और आदत भी नहीं थी यहाँ पर लोगों को कि कोई खातून लड़की आके हमें बताए कि हमें क्या चाहिए पीपल वर नॉट यूज़ टू इट तो कोर्स वो बहुत टफ था इट इट फेड लाइक ए लोनली जर्नी एट टाइम्स लीडरशिप वैसे भी होती है लोनली uh, क्योंकि जब तक आप uh, खड़ खड़े होते हैं लोगों के लिए आप पसंद आते हैं पर अब जब आप किसी और के लिए खड़े हो जाएं तो वही लोग uh, उस चीज़ को पसंद नहीं करते तो वो तो एक लोनली जर्नी है बट जब आपका मिशन बड़ा होता है आपकी ओवरऑल सोच बड़ी होती है तो yeah. फिर वो आसान भी हो जाता है बिकॉज yeah. आपको पता होता है कि यार ये मुश्किलें तो आएंगी तो ये कि ऑबियसली uh, पहला शुरू का पाथवे बनाना ज़्यादा मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना एक टाइम था लड़कियों को भी मुझे जाके और लिटरली उनकी मेहनत करनी पड़ती होती थी कि क्रिकेट खेल लो पाकिस्तान के लिए क्योंकि उनको भी कोई चाम उस तरह से नजर नहीं आता था कि ना आप स्टार बन रहे हैं ना आपकी लाइफ बदल रही है ना फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो फिर माँ बाप भी कहते थे टाइम मत ज़ाया करो तो वो शुरू वाला टाइम बड़ा मुश्किल था बट आहता ऐसा जब कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए फिर पेरेंट्स को भी कन्विंस करना आसान हो गया क्योंकि उनको भी लगा कि यार एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अच्छा पी भी अब सीरियस हो रहा है ये एक प्रोफेशन बन सकता है लेकिन आप जब कैप्टन बनी उस टाइम पर यह जो अपॉइंटमेंट थी आपकी एज कैप्टन वज इज समथिंग दैट यू हैड योर आई ऑन फॉर अ वर्ल्ड ये एक ड्रीम थी आपकी कि मैंने अगर खेलना है मैंने एक दिन कप्तान बनना है क्योंकि नेचुरली प्लेयर्स का कुछ होता है दे आर नैचुरल बॉन्ड लीडर्स वेन इट केम टू यू वज सरप्राइज फोर यू और वर यू रियली एक्सपेक्टिंग इट एंड होपिंग फॉर इट Um, मेरे ख्याल से लीडरशिप के लिए जो मेरी शुरू से भी फिलॉसफी रही है मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कब कब टीम की कप्तान थी और कब नहीं थी <laughs> क्योंकि उसका रीज़न ये कि मुझे लगता है कि जो लीडर होता है उसको किसी पोस्ट की या टाइटल की जरूरत नहीं होती आप लीडर हैं तो आप लीडर हैं अगर कोई काम होना है तो उसके लिए आपको पोस्ट के लिए जरूरत नहीं आप वो काम कर सकते हैं तो इनिशियली तो मेरा जो माइंडसेट था वो यही था और मेरी कंट्रीब्यूशन भी टीम में शुरू से भी वैसी रही और आखिर दिन तक yeah. जिस दिन तक मैंने खेला है मेरी कंट्रीब्यूशन ऐसी थी कि मैं इस टीम के लिए जिम्मेदार हूँ लेकिन हाँ एक स्टेज ऐसा जरूर आया जहाँ पर मुझे ये ख़्वाहिश हुई कि हाँ अगर मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर हो तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकती हूँ तो वो ज़रूर एक शिफ्ट आया मेरे दिमाग में क्योंकि ऑब्वियसली uh, हर कप्तान फ़र्क होता है वो प्लेयर्स को किस तरह से यूज़ करता है अपनी रिसोर्स को तो वहाँ पे ज़रूर आया एक टाइम के कि यार मुझे लगता है कि मैं इन रिसोस को ज़रा बेहतर इस्तेमाल कर सकती हूँ तो वो मेरे ख़्याल से वो खेलने के साल के एक साल दो साल के अंदर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि यार इसको हम और बेहतर तरीके से चला सकते हैं और मुझे ऑफर भी हुई पहले भी बट वो मैंने एक दफा रोक दी थी क्योंकि वो इन बिटवीन अ वर्ल्ड कप थी तो अब hmm, मैं right. नहीं चाहती थी कि इस तरह से uh, टूर्नामेंट के बीच में कोई कैप्टन थी एंड दैट इन रोल दो दो तीन साल के लिए मैं रही थी उस रोल में दो साल के लिए और फिर मैं, जब हम 2009 का वर्ल्ड कप खेल के आए तो दो साल मैं कराची को एज कैप्टन जितवा चुकी थी तो उसके बाद फिर जब मुझे ऑफर हुई तो मैंने एक्सेप्ट किया आपका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड भी लीडरशिप की अगर हम बात करेंट स्पीक्स फॉर इट और वही बात है कि उस टाइम पे यू रियली वर द बेस्ट ऑप्शन अमंग द पूल दैट वी तो वो नाउ दर आई थिंक अबाउट इट यू नो इन रेट्रोस्पेक्ट में कंसिडरिंग के आपकी कैप्टेंसी में पाकिस्तान वेमेंस क्रिकेट टीम के इतने सारे फर्स्ट हुए थे uh -huh. ये लेगेसी भी हर किसी की नहीं है वेदर इन वेमेंस क्रिकेट और इन मैंस क्रिकेट के इंडिया को हमने हराया उसके बाद हमारे गोल्ड मेडल कंजिव मुझे ये बताएं कि जब आपने कैप्टेंसी ली क्या विजन था आपका फॉर वेमेंस क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट ओनली कि क्या रिजल्ट्स और फिर जो रिजल्ट्स आए वर यू एक्सपेक्टिंग दोज वर दोज रिजल्ट वर नॉट होपिंग फॉर और वो आपके लिए एक सरप्राइज़ था क्योंकि इतने सारे स्टैट्स हैं अगर हम देखें यू नो एशियन गेम्स की अगर ग्लोरी की बात करें हाउ इज़ दैट लाइक फॉर यू रोह बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ आप पहली करते हैं आप भी बहुत से ऐसे काम कर रहे हो जो लड़कियों ने पहले नहीं किया तो आप आप इस चीज़ को समझोगी क्यों बिकॉज़ यू आर मेकिंग मेकिंग वे फॉर योर सेल्फ ऑल्सो कि जब पहली दफ़ा कोई चीज़ कर करने जा रहे होते हैं तो आपके अपने भी डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके साथ नेसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये तो हो ही नहीं सकता ये तो आप कर ही नहीं सकते इस तरह की बातें आपके इर्द गिर्द बहुत चल रही होती हैं तो उस माइंडसेट को अपने अपने भी मेंटल बैरियर्स को तोड़ना और लोगों के लिए भी ये बात करना उनको उनको रॉन्ग प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है जो पहली दफ़ा होता है वो बड़ा मुश्किल होता है इसलिए जब एक दफ़ा आपने इंडिया को हरा लिया जब एक दफ़ा आपने वेस्ट इंडीज़ को हरा लिया जब एक दफ़ा आपने साउथ अफ्रीका को हरा लिया फिर हाँ जिस वक्त भी आप ग्राउंड पे उतरेंगे जो भी टीम उतरेगी उसको ये यकीन होगा कि इस टीम को हम हरा सकते हैं। सो ये जो पहली दफ़ा हराना होता है ना ये जैसे अब ऑस्ट्रेलिया को हम अभी तक नहीं हरा सके तो उसके लिए अभी भी मुश्किल है पर बाकी हर टीम को हम हरा चुके हैं तो अब कि जो जितनी यंग जनरेशन है ना वो समझती है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं हाँ उनको पता है हम वेस्ट इंडीज़ को हरा सकते हैं उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है कि आपको बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से प्लेयर्स के ऊपर काम करना पड़ता है वेमेंस क्रिकेट में जनरल जो अपब्रिंगिंग है लड़कियों की थोड़ा सा दबा के रखा जाता है पाकिस्तान में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए तो उनका कॉन्फिडेंस लिफ्ट करना एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ थी और वो 2010 के गोल्ड मेडल ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया हमने बहुत मतलब सेशंस किए काउंसलिंग करते थे एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते थे उससे वो चीज़ डेवलप नहीं हुई जो वो एक गोल्ड मेडल की जीत से जब हम वापस आए और जिस तरीके से हमारा आ, वेलकम किया गया क्योंकि उस वक्त लड़कों की टीम के ऊपर मैच फिक्सिंग की आ, प्रॉब्लम्स चल रही थी तो पाकिस्तान वो उस थर्सटी की कोई तो गुड न्यूज़ मिल मिली जीत आए कुछ तो आठ साल के, के बाद एशियन गेम्स में दो एशियन गेम्स के बाद पहला गोल्ड हम लोगों हम लोग लेके आए थे तो उस वक्त पूरा जो पाकिस्तान था ना वो हमारे साथ खड़ा हो गया था और उससे जो कॉन्फिडेंस की एक बेस मिल गई थी ना लड़कियों को वहाँ से बिल्डअप करना फिर भी कदरे आसान था और फिर यही होता था कि आपको बात करके स्किल पे काम करके और एक टीम इन्वायरमेंट ऐसा hmm. क्रिएट करके कि जहाँ से वो पहली जीत कर सकें तो फिर वो अल्लाह ताला मदद भी करता है हमने ऑब्वियसली कोशिश आ, बहुत ज़्यादा की मेहनत की लेकिन आ, बहुत पहली जो विंस थी ऑब्वियसली वो बड़ी स्पेशल है चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हो इंडिया के अगेंस्ट हो इवन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो बिल्कुल वो कन्जटिव जो गोल्ड मेडल लेने का वो भी एक रिकॉर्ड ही है इट सेल्फ लेकिन इट्स सो वंडरफुल यू नो टू हैव यू सिट हेयर एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट बिकॉज जो भी आप हाईज डिस्क्राइब कर रही हैं आई एम श्योर देर मस्ट है लॉट ऑफ लोज अभी आपने डाउट की बात की कि डाउट्स और ने एक जो नॉइज़ होती है विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वन इन प्रोफेशनल क्रिकेट बट मोर सो फॉर वेमेन मीडिया की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता था बैक दैन जब आप कैप्टन थीं और यू you नो know, हर दफ़ा तो आप नहीं जीत रहे होते हैं, मैच कभी कभी हारते हो कभी कभी लोज भी आते हैं What was that experience for वट वॉज फट वज रिलेशनशिप विध द मीडिया इन पाकिस्तान Mixed था बहुत मैं ये कहूँगी काफ़ी हम लोगों को recognition मिला क्योंकि cricket की एक शौक इतना है पाकिस्तान में कि खबर बन जाती है तो जब हम जीते तो हमें बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया पर फिर कुछ अर्से के बाद अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे मीडिया में ऐसे लोग हैं जो एजेंडास पे चलते हैं और वुमेंस क्रिकेट की वीकनेस ये थी कि मैचेस टीवी पे नहीं आते थे तो जिस प्लेयर की जहाँ तक पहुँच होती थी आ, वो क्या नैरेटिव नेर, लाना चाहता था तो वो मीडिया वाले कभी कभी कैरी कर जाते थे बग़ैर वुमेंस क्रिकेट को फॉलो किए हुए उसने टीम का बड़ा नुकसान काफ़ी जगह पर किया भी है कि जहाँ पे कोई डिज़र्विंग प्लेयर नहीं भी होता था उसकी हाइप क्रिएट इतनी हो जाती थी और हमारे पास काउंटर अग्रीमेंट अग्रीमें, आर्ग्यूमेंट नहीं, नहीं था बिकॉज हमारे पास कोई वीडियोस नहीं थी कोई मैच की इनिंग्स नहीं थी कि हम दिखा सकें कि नहीं यार इसने पाँच आउट किए थे बड़े इंपॉर्टेंट मैच में या दस या पचास किया था इतनी मुश्किल में थी टीम तो वो जो काउंटर नेरेटिव था फिर मीडिया डिपार्टमेंट पी का भी उस टाइम पर इतना प्रोएक्टिव नहीं था तो बहुत से प्लेयर्स पे वो मीडिया प्रेशर रहा एजिज़म बहुत रही आ, लड़कियों को तो 25 साल से आ जाता है जी बूढ़ी हो गई है इसको निकालो टीम से उस टाइम पे जब शुरू में हमने शुरू की तो ये हमने चीज़ें बहुत फेस की और उस टाइम की लड़कियों ने बहुत की अब बहुत फ़र्क है अब आप देखें बिस्मा की शादी भी हो गई है उसका बेबी भी है और सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं सो so, वो एक माइंडसेट में बहुत बड़ी तब्दीली आई uh, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली उसके साथ साथ सपोर्ट भी बहुत मिली हमें रिकग्निशन भी बहुत मिला और उसी की वजह से ऑब्वियसली फिर वुमेंस क्रिकेट आगे भी बढ़ती गई तो इट वॉज अ क्वाइट अ मिक्सड एक्सपीरियंस वो मी अच्छा मिक्सड एक्सपीरियंसिस आपको वैन यू यूज टू टूर इंटरनेशनली तब भी आपको आई एम श्योर यू मस्ट Uh, have gone through a lot of different experiences because a lot of the girls with you um, would have been young at that time, inexperienced, who exposure exposure international tours. Pe एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड फ्रॉम दैट टाइम इतने आपने टूअर्स है यू you नो know, भी आप हमें बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज बता रही थी अबाउट न्यूजीलैंड एनी दैट कम्स टू योर माइंड दैट यूड लाइक टू शेयर यू नो अ फन समथिंग दैट स्टिल स्टिक्स योर आफ्टर ऑल अमरीट स्टिलस कि हम जब इंटरनेशनल टूर पर गए थे तो आई एम श्योर sure किस्से तो बहुत होंगे किस्से तो बहुत होगी और मैं बहुत खराब स्टोरी टेलर हूँ ये चीज एक, 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 so एक, एक है मतलब मीडिया से रिलेटेड नहीं आप वैसे पूछ रहे हो कोई किससे तो बहुत है एक शुरू में जब हमने टूर करना शुरू किया तो अब आ, बताते थे लड़कियों को कि भाई जब भी कहीं गोश्त खाना है तो पूछ लेना है कि हलाल है या हराम है ऐसे नहीं कुछ भी खाना शुरू हो जाना तो मुझे याद है एक पिंडी की लड़की थी हमारे साथ तो उसका पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया का तो हम नाश्ते पे बुफे लगा हुआ था उस पर खड़े थे तो वो आई और मुझे पूछती है कप्तान अंडा हलाल है मैंने <laughs> तो कहा है अंडा तुम खा सकती Sweet. हो बगैर तो आई मीन ये छोटी छोटी चीज़ें होती थी कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता बट यू वॉन्ट टू कीप योर वैल्यूज़ इंटैक्ट आप अपनी वैल्यूज़ को ले के जाना चाह रहे हैं तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो जाती थी, थी और फिर कभी खाना ऑर्डर करना अंग्रेज़ी में तो वहाँ पे गलतियाँ हो रही करती थी लिए खाना आ, मेरी मेरी इंग्लिश जो थोड़ी बहुत बेहतर हुई है वो इंटरप्रेटर बन की हुई है क्योंकि वो हमारी जो पहली फिजियो थी साउथ अफ्रीकन नजा कॉम्प्टन उसका नाम था उसको उर्दू नहीं आती थी और लड़कियों को इंग्लिश नहीं आती थी तो जिसको कोई तकलीफ होती थी मैं साथ बैठी होती थी इंटरप्रेटर बन के तो वो कर कर के मुझे थोड़ी सी फिर इंग्लिश मेरी जो है वो फ्लूंट हो गई थी वरना मैं घर पर हम लोग नहीं बोलते थे तो इस तरह फिर ऑन द वे आप uh, सीखते रहते हैं जी? आप जब इतना ट्रैवल करते हैं विद अ बंच ऑफ प्लेयर्स ऑफ कोर्स आपकी बॉन्डिंग भी फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है विद विद यू यू ट्रैवल तो एट दैट टाइम व्हेन वर कैप्टन हु वाज योर सपोर्ट इन द टीम यू नो समवन दैट यू वुड रिलाई ऑन फॉर गाइडेंस और फॉर जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड आई थिंक शुरू का जो लॉट था वो हम लोग बहुत ही क्लोज um, थे क्योंकि हम लोगों का जो टोटल डेडिकेशन थी वो क्रिकेट से मोहब्बत थी उसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट पैसा फेमस होना कुछ भी नहीं था सिर्फ क्रिकेट था तो वो दोस्तियाँ हमारी आज भी बड़ी स्ट्रॉग है एक गाना था जलील अब्ट की उसके साथ मेरी बड़ी करीबी दोस्ती थी फिर बतूल फातमा yeah. कराची की उस उनके साथ भी मेरी आ, बहुत शुरू से दोस्ती रही और नैन आबदी yeah. तो ये तीन लोग तो बहुत करीबी थे और आज तक आ, बहुत करीबी हैं इनके hmm. साथ एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा और हमेशा सपोर्ट भी रही है एक दूसरे की हमने खूब सपोर्ट भी की अच्छा इंटरनेशनल टूर्स वगैरह पे एक आज दफ़ा ऐसा भी हुआ था वेन यूअर इन इंडिया दैट यू रिसीव थ्रेट्स एंड उस टाइम पे हाउ डिफिकल्ट वाज इट इस तरह के मौक़ों पे कितना मुश्किल होता है टीम को जोड़ के रखना और कहना कि नहीं यार दिस इज़ वॉट वी आर हेयर फॉर एंड वी हैव टू गो थ्रू विद इट हाँ मेरे ख्याल से टीम को जितना अरसा मैं रही हूँ जनरली मोटिवेशन इतनी ज़्यादा देनी नहीं पड़ी क्योंकि लड़कियों हाँ। में खुद ही शौक बहुत था आ, हाँ कभी कभी आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इंडिया वाली जो सिचुएशन थी वो जाने से पहले थ्रेड था तो हम कटक में चले गए थे एक डिफरेंट uh, सिटी में और वहीं हमारे सारे मैचेस किए थे और ऑब्वियसली आप स्टेडियम में रह रहे होते yeah, हैं यू कांट स्विच ऑफ तो सारा वक्त वो एक प्रेशर मोमेंट था तो मुश्किल टाइम ज़रूर था पर उसके बाद अच्छे एक्सपीरियंसिस भी रहे hmm. तो यही होता है कि आप हम लोग ऑन द वे सीख भी रहे थे और बेसिक सपोर्ट हम ही एक दूसरे की थी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट का कोई ऐसा uh, कोई रिवाज नहीं था उस टाइम पर तो हम एक दूसरे की सपोर्ट बन जाते थे और एक दूसरे जो भी हमें समझ आती थी दूसरे को समझाते थे फिर आपके और इस टाइम पे मुझे लगता है आपके जो अपने आ, सपोर्ट सिस्टम बनाने बड़े ज़रूरी हैं जब भी आप किसी मुश्किल में से गुजर रहे हो लाइफ में या करियर में मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में ये बात नहीं बताई जाती यंगस्टर्स को कि आप अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनाएं आप ऐसे लोग ढूंढें जिन्होंने उन मुश्किलों को क्रॉस किया है आप उनसे राबते में रहें एज़ मटोज रहें एज़ फ्रेंड्स रहें और अपना नेटवर्क इस तरह का बड़ा करें कि जब आप किसी प्रॉब्लम में हो आप उनसे बात कर सकें जैसे फ़ॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ख़वातीन नहीं थी थी जिन्होंने कुछ प्रोफेशंस में काम किया है तो फिर मुझे अपनी फैमिली से बाहर निकल के उन खातन से रबता मैंने रखा जो प्रोफेशनल थी जिन्होंने तीस तीस साल नौकरियाँ की थी तो उनसे बात करके समझ आई कि अच्छा ये ये प्रॉब्लम आते हैं इट्स नॉट सम यूनिक प्रॉब्लम कि मुझे ही आ रहा है पर ये जब भी आप घर से निकलेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे तो आई थिंक ये जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनाना है तो आपकी अपनी फैमिली बहुत ज़रूरी है सपोर्ट सिस्टम और उसके बाद फिर आप अपने उस सपोर्ट सिस्टम को बड़ा ज़रूर करें अच्छा आ, ये सवाल जो मेरा अगला वाला है इट इज़ वेरी रेलिवेंट टू टू डेज इंटायर इफ आई कॉल इट सिचुएशन दैट सराउंड वेमेंस क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान में हमने पिछले दस पंद्रह सालों में बहुत तब्दीलियाँ देखी हैं हमारे बोर्ड के अंदर भी स्ट्रक्चर्स में भी और सबसे बड़ी जो है अगर हम विमेंस क्रिकेट की बात करें परसेप्शन में काफ़ी तब्दीली आई है आपके नज़दीक वॉट इज़ द बिगेस्ट चेंज इन परसैप्शन ऑफ वेमेंस क्रिकेट फ्रॉम द टाइम वेन यू यूज़ टू प्लेज ए प्लेयर एज अ कैप्टन और अब जब आप साइडलाइंस uh, या बाहर से जब आप व्यू करती हैं सबसे बड़ा चेंज क्या है आई थिंक थोड़े से लेस क्रिटिकल हो गए हैं लोग वेमेंस क्रिकेट के बारे में अभी भी क्रिटिक तो बहुत हैं बट बट फिर भी उनको ये समझ आ अब क्योंकि वेमेंस ग्लोबली फॉलो कर रहे हैं तो समझ आती है कि बाकी टीमें अच्छी क्यों हैं और क्यों नहीं हैं तो वो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था पर बिगेस्ट चेंज ऑफ़ प्रसप्शन जिसको मैं कहूँगी जब शुरू में हमें कन्विंस करना पड़ता था लोगों को कि आप खेलने दें अपनी बेटी को और इट्स सेफ आप मतलब अच्छी चीज़ है इसमें कोई बुराई नहीं है अब हमारे पास पेरेंट्स खुद आते हैं कि जी हमारी बेटी खेलना चाहती है हम किस तरह खिलाएं तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है, है सोसाइटी के अंदर क्योंकि मेरे नज़दीक तो आप किसी भी काम को अच्छे से करेंगे तो उसमें बरकत डल सकती है आप करेंगे कैसे आप अच्छे काम को भी बुरे तरीके से कर सकते हैं और जिसको प्रसप्शन yeah. में समझते हैं कि शायद वो सही नहीं है मतलब आप ये तो आपकी अपनी तरबियत पे आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है और आई थिंक जितनी भी लड़कियां रही हैं वुमेन क्रिकेटर्स से पहले मेरे साथ मैं सबको ही ये कहूँगी कि जितनी अच्छी तरीके से ऑन एंड ऑफ फील्ड उन्होंने अपने आप को कैरी किया है कोई इस तरह की चीज़ कभी नहीं आई कि जिससे हमारी आवाम कोई तकलीफ पहुँची हो रो right. तो उसकी वजह से भी एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ है सोसाइटी का कि यार इसके लिए हम हम हमारे बच्चे जाएंगे तो नाम कमा के आएंगे तो आई थिंक ये एक बड़ी लेगेसी इन सब प्लेयर्स की बिल्कुल ये तो आई हंड्रेड परसेंट एग्री ऑन दैट के um, आत्म जब बात की कि लेस क्रिटिकल हो गए हैं द मीडिया ऑफ कोर्स हैज आल्सो बिकम सॉफ्टवेयर एंड मोर सेंसिटिव सपोर्टिव हाँ जी मोर सपोर्टिव वही जो पहले एज की बात करते थे आज वही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी हमारी लड़कियां शादी के बाद भी खेल रही हैं या इस तरह भी खेल रही हैं तो ये चीजें पहले नहीं uh, देखने को मिली पर बाहर की दुनिया में ये बहुत सी चीज़ें है ऐसी हैं जो बहुत पहले की नॉर्मलाइज हो गई हुई हैं लाइक मटर्निटी लीव की अगर आप बात करें या इवन समथिंग एज सिंपल एज मेकिंग कम बैक आफ्टर गेटिंग मैरिड बाहर की दुनिया में बाहर की कंट्रीज़ में ये नहीं नॉर्मल होता कि अगर आपने hmm. अगर किसी की शादी हुई है hmm. तो देट इज़ नॉट मीन दैट तीनो दे आर नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग ये वैसे आपके लिए कितना मुश्किल था ये इस चीज़ के लिए फाइट करना टीम के अंदर कि अगर किसी गेटिंग मैरिड एंड दे आर फेसिंग प्रेशर्स नॉट टू कंटिन्यू क्रिकेट आई एम श्योर आपके इट बहुत एग्जांपल्स ऐसे आए होंगे असल में सबसे बड़ा ये था कि लड़कियाँ ख़ुद शादी करने से डरती थी क्योंकि अगर हमने कर ली तो हमें शायद इजाज़त ना मिले या हम उसको कंटिन्यू ना कर दें तो एक माइंड सेट वो ज़रूर था फिर बतूल की हुई नैन की हुई नैन ने तो कोशिश भी की कम करने की वो फिर क्योंकि उसके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में थे तो टू एंड फ्रो उसके लिए आना जाना मुश्किल हो गया था लेकिन उसने पहली दफ़ा जो शादी करके वापस गेम में आई थी वो नै नाप थी पर वो उस तरह से आ नहीं सकी पूरी तरीके से वापस फिर बिस्मा का ये था एक तो उसकी एज यंग थी और फैमिली के अंदर ही शादी हुई थी और शुरू से उनको पता था कि भाई इसने खेलना है तो उसको बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है और, और वो एक बड़ा अच्छा बैरियर टूटा है उसकी वजह से कि अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं दोनों चीज़ों को और उसमें ऑब्वियसली उसके इन लॉज को भी बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने भी मैनेज किया क्योंकि ऑब्वियसली देखें ख़्वीन के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है ख़ासतौर पर बच्चा जब छोटा होता है बट अगर मिल के चलाया जाए तो चल भी सकता है तो आई थिंक ये ऐसा ऐसा चीज़ें समझ आ रही हैं लोगों को कि आ, आप एज ए टीम हर जगह पर काम

Uh, now the girls have something to fall back on. You absolutely, a path is open. Hai. Asha, Sana, I want to talk about uh, when you left playing. That whole period for you, uh, it must have been a very challenging period because in the circumstances you um, initially you, you announced a break for a while, and then you stepped down from the captaincy. What was going through your mind, and how did you reach that decision personally? That now is the time for me to take a step back. इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम मुझे कुछ रोल क्लैरिटी क्योंकि जब तक मार्क कोच जो हमारा मार्क कोल्स था वो टीम के साथ था एक डायरेक्शन थी हमारी और सबके रोल्स बड़े डिफाइंड थे कि हमने क्या क्या करना है तो ये बात ट्वेंटी नाइन्टीन की अगस्त जुलाई अगस्त में हमारा श्रीलंका साउथ अफ्रीका का टूर था जो बड़ा सक्सेसफुल था तो उस वक्त भी मैंने बड़े खुल के बात की थी कप्तान से और कोच से कि भाई तुम लोग कहाँ देखते हो बिकॉज आठ नौ महीने हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में सो इफ इफ़ आई एम इन द प्लान्स तो मैं कैरी करती हूँ अदरवाइज़ ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा टूर गुजरा है सो आई कैन टी ट्वेंटी से आई कैन रिटायर एंड आई कैन कीप प्लेंग द वन डेज उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं आपने रहना है वापस आते हैं हम प्रॉब्लम्स होते हैं मार्क के दो तीन लोगों के साथ बोर्ड में उसको हटा दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली वेमेंस क्रिकेट की हिस्ट्री आप देख लें जब वर्ल्ड कप से दो तीन महीने दूर टाइम आता है ना तो सारे कोचेस का दिल करता है जी अब हम वर्ल्ड कप पे चले जाएं क्योंकि वर्ल्ड कप एक बड़ी थप्पा है आपकी सीवी के ऊपर भी और ट्रैवल भी करना होता है तो उस वक्त जो लगा लगाया कोच जिसके अंदर टीम अच्छी चल रही होती है ये कितने वर्ल्ड कप्स पे वेमेंस क्रिकेट के साथ ऐसे ही हुआ और कोई पूछने वाला नहीं है वही हुआ तीन चार तीन एक महीने रहते थे मार्ग को हटाया गया हटा के फिर जब नए लोग आए तो जॉब डिस्क्रिप्शन प्लेयर्स की बदलनी शुरू होगी रोल जो डेफिनेशन है तो फिर मैंने जाके सवाल पूछा कि भाई तीन महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप में किस तरीके से आप लोगों ने चलना है बिकॉज आई नीड रोल क्लैरिटी कि मेरा क्या रोल है ये नहीं बांग्लादेश के अगेंस्ट आप दसवें नंबर पे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप पाँचवें नंबर पे जा रहे हैं तो देर इज़ देर हैज़ टू बी सम क्लैरिटी वो मुझे नहीं मिली उस वक्त के लोगों से

कि नहीं आप आएँ हमारी ज़रूरत है इंग्लैंड से सीरीज हुई अच्छी नहीं गई तो इन्होंने मुझे वापस कॉल किया कि हम डोमेस्टिक करें आप आए yeah. और आके आप खेलें उसमें चार मैचों में चार आउट किए दो तीन नॉट आउट भी रहे परफॉर्मेंस ठीक थी जब टीम अनाउंस होने की बात आई तो टीम में नहीं थी नाम नाम नहीं था तो विच वाज़ अ बिग शॉक फॉर मी तो मुझे वहाँ से ही नज़र आ गया था कि विजन जो है वो मेरा और टीम जो मैनेजमेंट थी उसका बहुत फ़र्क था क्योंकि मेरे नज़दीक जो क्रिकेट uh, का हीरो है ना वो कप्तान होता है तो कप्तान को अगर आप अथॉरिटी नहीं देंगे अगर कप्तान कह रहा है कि मुझे ये प्लेयर चाहिए मैंने उसको खिलाना है और या वो कप्तान खुद उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग फिर टीम्स नहीं बनती कप्तान का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है तो मुझे फिर नज़र आ गया था कि ये वो वाली बात है कि फिर आप लगे रहें करते रहें और वुमेंस क्रिकेट में सबसे जो बेसिकली रिटायरमेंट की वजह मेरी बन बनी ये तो एक माइंडसेट होता है जिससे आप फाइट कर लेते हैं कि यार आपको कोई नहीं समझ रहा yeah. आप उससे फ़ाइट करके वापस आते हैं पर वेमेंस क्रिकेट में देर इज नो वे टू मेक अ कम बैक आपके पास ना पी एस एल थी वेमेंस पी एस एल ना कोई प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट थी ना कोई इंटरनेशनल लीग्स थी एक टी ट्वेंटी का टूर्नामेंट होता था जो सेलेक्टर्स नॉमिनेटेड yeah. होता था उसमें सेलेक्टर्स बनाते थे तीन चार टीमें अब आप सेलेक्टर की नजरों में अगर नहीं है फ्यूचर में तो आप उस टीम में भी नहीं आएंगे तो फिर बंदा साल मेहनत करे और साल बाद आके कम करे तो मतलब कोई तरीका नहीं है वेमेन्स क्रिकेट में वापस yeah. आने का ना कि किस तरीके से आप प्रूफ करके आए जैसे अब शोए मले के हैं वो इधर जाके रन करते तो सबको ख्याल आता है वो अच्छा जी उन, उन के पी एल में रन टू फॉल बैक फॉल बैक ऑन एंड मेक अ केस फॉर दि तो फिर मैंने यही सोचा मैंने कहा यार अब एक साल मैं और लगाऊँ मैं अगले टी ट्वेंटी उसका वेट करूँ तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का तो फिर मुझे यही चीज़ें समझ आई कि ओवरऑल वो इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं था जहाँ पर आप जाके डायलॉग कर सकें मैंने बात भी करने की जब कोशिश की तो मुझे ऐसी इन्वामेंट नहीं लगी जहाँ पर डिस्कशन हो सके सो so जहाँ मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है ना उस जगह पे मैं नहीं रह सकती बिकॉज बड़ी मुश्किल से हम वुमेन क्रिकेट की आवाज़ बने तो जो बंदा उसको दबाने की कोशिश करे और हम उसका साथ देंगे तो वो मेरे से नहीं हो सकता था तो, तो बस फिर मैंने कहा कि ठीक है आई वॉन्ट बी पार्ट ऑफ दिस तो फिर मैं साइड पे हो जाऊंगी बिकॉज मैं ये नहीं हो सकता कि मेरे सामने चीज़ें गलत हो रही हूं और मैं वो छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के पीछे वहाँ पर बैठी रही क्योंकि मेरे लिए कभी भी वुमेन्स क्रिकेट पैसा कमाने का जरिया नहीं था मेरे लिए वो कॉज था तो नौ दस महीने फिर मेरे पास कोई मैं कोई जॉब नहीं थी मुझे नहीं पता था मैंने आगे क्या करना कॉमेंट्री तो खुद से आ गई मेरे पास एक दिन कॉल आई कि जी नेशनल और आपने करनी है कॉमेंट्री सो दस महीने मैंने कुछ भी नहीं किया क्या तो, उस पीरियड में पर्सनली वर यू गोइंग गोइंग थ्रू इट इट टफ टफ वेरी मैं अब टे बाद मेरे वाले उधर शिफ्ट हो गए हैं तो फिर मैं बिल्कुल साइड पे हो गई थी मीडिया से भी दूर हो गई थी बहुत से मुझे आई इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ से फोन नहीं आए कि आप हमें बताएं अपनी स्टोरी तो मैंने कहा नहीं अभी आई वॉन्ट टू मैं पहले अपनी थाट्स के साथ खुद रहना है सो so, नौ दस महीने मैंने बिल्कुल छोड़ दिया कि भाई मैं ज़रा साइड पर रह के सोचूँ कि क्या हुआ है क्या सोचू अपनी लाइफ प्लेयर्स द टीम मस्ट वो out उन बेचारों ने बड़ी कोशिश की कॉन्टैक्ट करने की पर मैं खुद एक डिस्टेंस पे थी मेजोरिटी लोगों ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी पर मैंने खुद एक डिस्टेंस इख्तियार किया था बिकॉज आई वॉज हर्टिंग एट दैट पॉइंट मुश्किल था वो टाइम पर फिर ये था कि बड़ा मुझे फ़ायदा मिला बहुत अच्छे मेन्टोज़ मिले बड़े अच्छे फ्रेंड्स मिले उस टाइम पे जो क्रिकेट से बाहर थे तो वो बड़ा हीलिंग होता है कि आपने एक चीज़ को अपनी लाइफ बना दिया तो ये ऑबियसली एक पैशन एक जुनून होना पड़ता है जो हमने किया था जब कुछ भी नहीं था वेमेंस क्रिकेट में तो वो एक रिक्वायरमेंट थी पर लाइफ में मेरा नहीं ख्याल कि, कि किसी भी चीज़ को आपको इतनी अहमियत देनी है कि वही आपकी लाइफ बन जाए हर चीज़ लाइफ का हिस्सा होना चाहिए और वो बैलेंस फिर जो है ना उसके बाद मुझे और बेहतर तरीके से रखना आया कि ठीक है हर चीज़ जॉब भी ज़िंदगी का हिस्सा है फैमिली भी जिंदगी का हिस्सा है क्रिकेट भी जिंदगी का हिस्सा है तो हर चीज़ को एक बैलेंस के तौर पर रखें उसको सर पर सवार ना कर लें कि बस यही लाइफ है। advice, हाँ actually. ये मेरे ख्याल से मुझे भी मिलना है लेकिन अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा था और अब देखें लिटरली आप आवाज़ हैं क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड मुझे कमेंट्री का उस तरह शौक शुरू में तो नहीं था इतना पता है तो मुझे ये बड़ा मज़ा आया कि एज ए प्लेयर इफ़ यू और ओपिनियन अगर आपके अपने कोई ओपिनियंस हैं तो आपको कहते हैं कि इसको तो फारक करो और ज़्यादातर सीनियर प्लेयर्स को इसीलिए लिए किया जाता है क्योंकि उनको आप समझ आ जाती है कि अभी सिस्टम में क्या ख़राबी है और एज अ कामेंटेटर आपके पास जितने ओपिनियंस है उतने वैल्यूएल है आप <laughs> अगर आप डिप्लोमेटिक रहेंगे ना दोनों चीजों पर रहेंगे तो आप इतने वो नहीं है बट तो 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 uh, yeah. कैसा रहा आपने वे किए कि अच्छा ये करना है दिस इज देन हाउ ट्रेन फॉर इट आई थिंक नौ दस महीने क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहने से मुझे मैं मिस तो कर रही थी क्रिकेट को और वापस जाके खेलना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे उस वक्त मैं फिटनेसा होगी फिटनेस भी होती है मेमरीज भी होती हैं सारा कुछ होता है तो मेरे लिए सबसे इजी तरीका क्रिकेट से कनेक्ट करने का उस कॉमेंट्री था बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस थोड़ा दूर से आप देख रहे हैं और क्रिकेट है भी और नहीं भी है तो वो वाला सीन था तो वो एक आ, मेरा आ, जर्नी थी और उसके अलावा आई थिंक कमेंट्री में बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलता है और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मिली जो कमेंटेटर्स जितने थे चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे थे या इंटरनेशनल लेवल पे थे उनके साथ काम करके बहुत मजा आया उनको क्रिकेट का बहुत समझ है और हर कोई चाहता है कि आप इम्प्रूव करो तो हर कोई आपकी मदद कर रहा होता है तो वो इन्वामेंट बड़ा ज़बरदस्त है जहाँ पे किसी को प्रोफेशनल जेलसी इतनी नहीं होती कि भाई ये मुझसे आगे निकल जाएगा हर बंदे की अपनी एक आवाज़ है अपना एक तरीका है तो ओवरऑल इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त रहा है कमेंट्री में पाकिस्तान में भी बहुत से जितने मैंने जिनके साथ काम किया है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और इंटरनेशनली भी जब वो आते जितने भी कमेंटेटर्स आते हैं उनके साथ बहुत मज़ा आया काम बिल्कुल अब आप पी में भी कामेंट्री करती है इंटरनेशनल पैनल पर भी आप आई सी सी के करती हैं कॉमेंट्री तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए ये वेंटेज पॉइंट होना कि जिस तरह आपने बात की कि है भी क्रिकेट हाँ। के एक नज़दीक और इतना वो भी नहीं है कि आपको यू दिस मस्ट बी रियली रिफ्रेशिंग फॉर यू एज अ as well to be able to enjoy cricket from that

बाकी किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है मेरे पे तो उस चीज़ को भी मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ सिर्फ कि आप अपने लिए आंसरेबल हैं और आई uh, थिंक uh, सबसे बड़ी जो चेंज थी गमेंट्री में और जो लोगों को शुरू में फ़ील भी होती है कि एज ए क्रिकेटर आप पंद्रह साल आपकी ये ट्रेनिंग थी कि बॉल ने हवा में जाना है और आपने काम रहना है काम एंड कलेक्टेड बिल्कुल रिलैक्स रहना है और एज कॉमेंटेटर बॉल ने हवा में जाना है और आपने चलाना शुरू कर देना <laughs> और ख़ूब एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है तो वो शुरू में हो नहीं रही थी बॉल हवा में जाती थी और मुझे लगता था मुझे ही कैच पकड़ने वहाँ तो वो <laughs> शुरू का जो एक टाइम था उसमें थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में पर अब आप, आप चीज़ें बेहतर होती थी यू हैव इम्प्रूव इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आप कॉमेंट्री में इतनी आप Uh, आपको सुन के अब हमें फील होता है that, you know, you been, for, आपकी, आपकी जैसे गान सबके लिए हमें चाहिए <laughs> 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 नहीं बट इट्स टू हेयर यू टॉक बिकॉज जो आपका एक्सपीरियंस है वो हर किसी का नहीं आप जो वट यू ब्रिंग टू द गेम इज सो यूनिक एंड स्पेशल दैट यू नो नाउ इट्स सो रिफ्रेशिंग टू हेयर दैट बिकॉज बात है जब आप खेल रही थी उस टाइम पर हमें वो अच्छा अभी फॉर दिस टूर्नामेंट वैक यू केम आउट ऑफ रिटायरमेंट प्लेड बिट ऑफ क्रिकेट अगैन दुनिया में भर में ग्लोबली अब uh, वेमेंस क्रिकेट के लिए अब वो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो रिस्पेक्ट दी जा रही है वो इन्वेस्टमेंट्स पोर इन हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई और ये दुनिया में पूरे मतलब आप हंड्रेड को देख लें वमेंस बिग बैश तो थोड़ा टाइम से हो ही रही है बट नाउ द हंड्रेड इज़ ऑल्सो हैपनिंग पाकिस्तान की भी अब लीग अनाउंस हो गई है इंडिया में भी कर रहे हैं हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस फॉर विमेंस क्रिकेट एट अ ग्लोबल लेवल बहुत ज़्यादा जरूरी देखें एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट जाना है टी के ऊपर जब टीवी के ऊपर कोई प्रोडक्ट जाता है उसके ऊपर आई बॉल होते हैं उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है जब आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे ही नहीं और फिर आप उनको एकदम से कंपेयर करते हैं अच्छा ये ये वाला कैच तो लड़के पकड़ लेते हैं ये क्यों नहीं पकड़ते हाँ। या ये वाली तो वो मार लेते हैं जो है वो इतनी हाँ, है, ये तो, तो, वो हम... जब हम कंपेरिजन शुरू कर देते हैं तो उस कंपेरिजन की बेस तो पहले ये होनी चाहिए कि दोनों की फैसिलिटीज और रिसोर्सिस सेम होनी चाहिए नंबर ऑफ मैचेस कम अज कम जो खेल नहीं तो ये जो ओवरऑल एक चेंज आया उससे आप क्रिकेटर्स को जज करेंगे क्योंकि वो क्रिकेटर्स हैं आप साल में चार मैच खेल के क्रिकेटर नहीं बन जाते आपको कम से कम सौ पचास मैच आपने खेलने हैं तो आपको लगेगा कि आप ग्राउंड का हिस्सा हैं तो आई थिंक ओवरऑल एक बहुत बड़ा शिफ्ट और आईसीसी को इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है जैसे टेनिस को अगर आप देखें सरिना विलियम्स भी उतनी बड़ी स्टार हैं जितने आप उनके साथ के रोजर फेडरर नडाल को लोग मानते हैं उतना उनको भी माना जाता है तो वहाँ पे इस डिस्पैरिटी को ख़त्म काफ़ी हद तक करती है तो अब वेमेंस क्रिकेट को भी इसी तरीके से पोजिशन किया जा रहा है कि वहाँ पर भी जो स्टार्स बने वो इसी तरह बड़ी बड़े स्टार्स हों क्योंकि काम तो दो दोनों एक ही कर रहे हैं पचास ओवर खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में फ़र्क है और न्यूजीलैंड का भी चेंज हो गया है ऑस्ट्रेलिया में और इसमें मर्दों का किरदार बड़ा ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर स्टार्क और इस तरह के जो टॉप तीन चार लोग थे क्रिकेटर्स थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने से मना कर दिया था कि जब तक आप लड़कियों को भी सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे हम इस पे साइन नहीं करेंगे इस वजह से उनकी लड़कियों को भी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले तो ये जो एक ओवरऑल मैंटेलिटी है ये सबकी बदल बदल बदलनी होगी और उसमें ऑब्वियसली जैसे हमें कोचिंग में या आ, मीडिया में हमें हमारे काउंटर पार्ट्स जो हमारे जितने भी जैसे मेरे वालद और मेरे भाई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है तो इसी तरह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इस इस सारी सिचुएशन में हमारे क्रिकेटर्स का भी आपस में या और मीडिया के लोगों का कि वो आवाज़ बने वमेंस क्रिकेट की तो ये जो सबसे पहली चेंज आई थी ऑस्ट्रेलिया में आई थी और ये ऐसे आई थी और उसके बाद अभी पिछले साल न्यूजीलैंड की भी लड़कियों की सेम पे हो चुकी है, yeah. है. तो है, और और है, है, है उसमें भी अभी जो टॉप के नेशन का आप एग्जाम्पल ले लें देर ऑल्सो स्टिल फाइटिंग टू बी पेड इक्वली टू देयर बल्कि स्पोर्ट की हम क्यों बात करें आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लें विमेन आर पेड लेस फॉर द सेम जॉब मेन डू एंड इट्स बट नो ये बदलना चाहिए और ऑबियसली uh, जैसे जैसे बदलेगा तो चीजें बेहतर बेहतरी की तरफ अच्छा क्रिकेट uh, के अलावा भी यू नो पीपल वुर अपार्ट फ्राम क्रिकेट

तो वहाँ आने की बात नहीं अभी तक खा, खाना <laughs> तो कश्मीरी है <laughs> कश्मीरी है पीछे से तो खाना तो आपको पता है ये तो आ, बहुत ही तो अल्लाह की हर नेमत से हम खुश होते हैं तो बेसिकली बात तो यही है कि वहाँ फूडी भी हूँ मैं ज़रूर और आ, उसको वर्कआउट को भी इंजॉय करती हूँ अगर अच्छे कोई पार्टनर्स मिल जाएँ आपको साथ करने के लिए तो वो चीज़ भी और घर वालों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना क्योंकि क्रिकेट की वजह से काफ़ी दूर रही हूँ काफ़ी अपने करीब भी लोगों से तो वो एक बड़ा होता है अब के ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ जितना मुझे मौका मिलता है मैं फ़ौर कोशिश करती हूँ कि उसको गुजारा जाए अब भी फिलहाल तो यूर यू नो वी एव बिन हेयरिंग यू अलॉट वी बीन सींगलॉट वुड यू बी ओपन टू एट एनी पॉइंट वुड यू बी ओपन टू जॉइनिंग इन एज अ कोचिंग रोल और एज अ अन्टोर रोल इन द पाकिस्तान सर्किट और इवन ग्लोबली मैंटोरशिप आई एम ऑलरेडी डूइंग हॉन्ग कॉन्ग की टीम स्कॉटलैंड की वूमेंस टीम फेयरब्रेक में माई मेन रोल इज मैंटोरशिप जो मैंने पिछला टूर्नामेंट भी एज अ कैप्टन सेफाइस के साथ खेला है। अभी अप्रैल में मैं फिर आई विल बी अगैन प्लेइंग फॉर देम उसमें मेन मेरा रोल है ही मैंटोरशिप का टू हेल्प टू हेल्प नेक्स्ट लीडर्स इज डिवेलप एंड हेल्प द प्लेयर्स टू हैव मोर कॉन्फिडेंस क्योंकि हमारा उधर फेयरब्रेक में ज़्यादा एसोसिएट नेशंस के प्लेयर्स के साथ काम है जैसे यू एस ए के प्लेयर्स हॉन्गकॉन्ग के प्लेयर्स क्या नाम है फॉर एग्जांपल बेल्जियम से कोई लड़की yeah. खेल रही है या ब्राजील से खेल रही है और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की yeah. लड़कियाँ तो मेन काम है ही मैंटोरशिप का तो वहां पर मेरा ज्यादा शौक है कोचिंग की तरफ, पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियां अभी भी कांटेक्ट में हैं पूछ लेती हैं आखिरी ओवर में मैं क्या कर सकती हूँ नए बॉल से क्या But कर सकती मेंटोरशिप to... के लिए आई थिंक आई वुड बी कोचिंग आई एम नॉट टू श्योर आई वुड से नेवर से नेवर तो वो मैं मैं नहीं कहूंगी हो सकता है कि आगे कभी आ, इस तरफ आऊं लेकिन ज्यादा मेरा मेंटल साइड ऑफ थिंग्स है हाउ टू हैंडल स्ट्रेस हाउ टू मेक स्ट्रेटेजीज आप किस तरीके से अपने क्योंकि क्रिकेट में अभी भी समझती हूँ नाइनटी नहीं तो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट मेंटल है आप आज भी आप देख लें जो है पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड का फिटनेस 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 हम करते हैं उसकी आप देख लें वो उस तरह से

couple of weeks with you working on the BJL, of course, and now to sit across from you and get to know more about your journey personally as a cricketer, uh, it has really been lovely. Any any last words that you'd like to say to, I'm sure, the girls who will be watching this who uh, plan on being part of the cricketing setup? Um, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और जितना आपको मज़ा आया उतना मुझे भी मज़ा आया है आपको एक तो इन दो weeks में grow होता देख के भी और आपकी जो अपनी एक ऑनेस्टी है अपने काम के साथ उसको भी देख के बहुत ज़्यादा मजा आया तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी दूँगी और शुक्रिया भी अदा करूँगी और सारे चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों जो मेरा मैसेज है मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे उनकी एक चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है वो सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं कि आप जो सोचा है कि कहाँ पहुँचना है वहाँ ऐसे पहुँचें कि आप अपने इकदार और अपने बिलीफ को ले कर पहुँचें तो तब सक्सेस है अगर आप उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं पहुँच जाते हैं तो वो सक्सेस के ज़ुमरे में नहीं आती तो जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं जो भी आपको लगता है कि ठीक है उसको ले के आप अपने गोल्स को अचीव करें थोड़ा वक्त लग जाएगा ज़्यादा लग जाएगा आम बंदे से जो शॉर्टकट्स लेते हैं उनसे ज़्यादा लग जाएगा पर अपने वैल्यू सिस्टम के साथ ऑथेंटिक रहें और उसके लिए मेहनत करें तो खुद बुद्ध कामयाबी भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा और बस यही मेरा मैसेज होगा सबको फाना थैंक यू सो मच फॉर अल्ट्रा एज पॉडकास्ट एंड लवली एजवेजिंग